एक नासिक से आया था देख के कौन कीड़े देख के कान साफ कर हाँ मालूम है बताया बताया आपने बताया मुझे नहीं अभी परसों आया था क्या बोला नहीं देगा वो नहीं देगा आपको नाम पूछ रहा था उसको मैं बोला वो ऐसे आ रहे बाबा क्या बोला कभी आता वो कभी भी आता फोन में एक बात सुन मेरी बात अभी तेरे से कोई वीडियो में लेगा ना उससे पैसा नहीं पाऊंगा फ्री में नहीं देने का नहीं समझे हाँ कोई आके इधर हाँ बोलेगा मेरे को वीडियो लेने का मैं आप लोग 100-150 रुपये निकाल दूँगा सीधा नहीं समझा इसका बाइक है बाइक है सामान ना हाँ बाइक है वो काम पूरा नहीं हुआ ना नहीं चालू बहुत टाइम हो गया बारिश है ना सर जाता मैं अलग भी जाता हूँ लखनऊ भी जाता ओ अंकल अरे इधर मत बैठो लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा सब ठीक है अल्लाह का आपकी दुआ है उन लोग का भी अलग किया मैंने किया ना हाँ फिर कसम भाई का अलग किया कसम भाई की तो बुलुक में आ रही आपकी बकरी क्या 12 बजे ब्रेक में आ रहे नहीं वो चल रहा मुझे ले दिए क्या ले बड़पा चल सीमा सर है मन मन चलो उन्ना कट लगता रहा ले गल की तो अब भी अंत पत्ती की मस्त हो चल महबूब की नहीं महबूब वो मुलुक है आता
ये कचरा, ये कान में कचरा है, है ना? अरे देश में दिक्कत है। वो भी अमेरिका गए थे ना, अमेरिका तक पहुंच गए, अमेरिका में देख के बोलता है अरे बाबा अरे तुम्हारा फोटो हुआ था मेरा, हम लोगों को फोटो देखा हम अमेरिका में चाइनियों में कान साफ करने वाला भी डाला तो इधर भी ये लगा ले बैटरी लगा के देख के वो अच्छा आइडिया है। हाँ आप लोग को जरूरत नहीं है ना, परसों देखा ये मतलब आपको जरूरत नहीं है ना, वो भी हमारा जैसे काम साफ करता है लेकिन वो दूरबीन से डाल के देखे, लेकिन वो 20 रुपए से ज्यादा लेते ना बाबा, तो जैसे लेता वो लोग ज्यादा लेते ना, 300-400 रुपए क्या फाल 20 रुपए हो गया। सो दिस इज राजू, तुझा पूरा नाम क्या है? राजू सुबुर सुबुर तिम्मप्पा सुबुर चिनप्पा सुबुर तिम्मप्पा तिम्मप्पा तिम्मप्पा। आप किधर का रहने वाले हैं? कर्नाटक गुलबर्गा। गुलबर्गा यादगिरी। और ये बाकी दो किधर के? वो है के चिनप्पा। चिनप्पा मैं समझता था आप लोग गुलबर्गा के हैं। नहीं गुलबर्गा से आगे दूर है। ओके दिस इज राजू माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। आई हैव बीन क्लीनिंग माई ईयर्स, आई थिंक आई मीन आई डोंट थिंक आई वॉज क्लीनिंग माई ईयर्स दोज डेज, बट आई यूज टू सी राजू, यूज टू कम टू बांद्रा बाजार रोड एंड यूज टू क्लीन ईयर्स देयर एंड आई स्टार्टेड शूटिंग हिम एंड देन फाइनली वन डे आई स्पॉटेड ऑल राजू हियर एंड आई मेट नबी, आई मेट कासिम एंड आई
started getting my ears cleaned because there was nobody to shoot me here, you know. And so I started, it became a kind of a story, you know. And the story was this, the skillful hands of the ear cleaners. And they don't need lights on the head like people in China and all. They do it, I mean, they could close, you could put a, tumhare aank ke upar ek patti dalega, fir bhi tum kaan saaf kar sakte ho, ki nahi? So what he's saying, that if you put a blindfold on him, he can still clean your ears. This is the beauty of these people, they are humble people. Nabi and Kassim, aap log farmer the. Aap kheti baadi karte hain? Okay. Aap idhar kab? 40 saal ho gaya. 40 saal. Okay, he has come here last 40 years back. This is andar aao. This is Kassim, this is Nabi. His brother is Kassim. सबसे पहले कौन आया था इधर? आप आए? कासम 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 उसके बाद पिछले भाई उसके बाद आप So, Kassim and Nabi were the first people. और ये आपको कब मिला? ये बाद में. अच्छा बाद में. They met. ये चांद हुसैन का चेला है. अच्छा चांद हुसैन ने आपने इसको नहीं सिखाया? मेरे बाद में आया. अच्छा तो चांद हुसैन ने इसको सिखाया. आपको किसने सिखाया था? कासम भाई ने. बाप पहले करता था. आपका बाप का नाम क्या था? जलालुद्दीन. जलालुद्दीन तो किधर करता था? इधर ही कमरे में. ओके नाउ देयर इज अ देयर फादर क्या नाम था? जलालुद्दीन. देयर फादर जलालुद्दीन वाज द फर्स्ट गाय हु यूज्ड टू क्लीन ईयर्स ओवर हियर एंड आफ्टर देम कासम भाई केम. आफ्टर कासम भाई नबी केम. उसके बाद चांद हुसैन आया. हां चांद हुसैन. फिर उसके बाद महबूब आया. महबूब आया. ओके सो दिस इज द स्टोरी. I don't actually have time to talk to them, but this is the basic gist. और आपको इधर 40 साल के ऊपर हो गया. ओके. पहले ज़माने में आप 20 पैसा लेता था. चार आना. They used to take 25 पैसा. Now they take 20 rupees. But there are people, lot of people that don't give them 20 rupees. But I pay for both of them. I mean, I clean my ears. I pay for all three of them. So this is the beauty of the ear cleaners of Bandra Talao. They have made me famous, I have made them famous. आपको मालूम है आपने मेरे को इतना famous कर दिया कि मैं बता नहीं सकता हूँ और मैंने आपको इतना famous कर दिया कि आप बता नहीं पाओगे. And this is my favorite Raju. Raju is a sweetheart. He is a very good guy. He is a very humble man. He is a very moody guy. And they come to my house on Eid. And I am happy. On the road. I am happy that I have shot them not for money, not for fame, not for anything. I just wanted the people to know the story of the ear cleaners of Bandra Talao. And this is a documentary that has taken me a lot of time. I stay near Bandra Reclamation. I can come here every day, but I don't feel it up to it. I come once in a while, maybe after 2 months. I'm coming here after 2 months. Thank you all, take care. Do like and subscribe my videos. And if you have any suggestions, do let me know. I mean, I don't have anyone to take my video, so I take my own video. Thanks.